वहां पर भी वांछित था, वहां की भी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और ऐसे में कामयाबी यहां पर मिल चुकी है। राजस्थान पुलिस को भी जिस तरह संयुक्त रूप से पंजाब पुलिस के साथ ये कार्रवाई की गई है, एनकाउंटर यहां पर हुआ है। अशोक आप हमारे साथ बने रहिए, बीकानेर से लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण, बेहदेह में खासतौर से अगर बीकानेर की बात करें, बीकानेर के लिए भी बड़ी खबर होगी, बहुत अच्छी खबर होगी, अंकित भादु का एनकाउंटर। देखिए निश्चित तौर पर बड़ी खबर है और देखिए आईजी डॉक्टर बीएल मीना ने फर्स्ट इंडिया न्यूज पर इसकी पुष्टि भी एक तरह से कही, आधिकारिक तौर पर कर दी है। और ये खबर इसलिए बड़ी है, जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी अश्विनी प्रधान बता रहे थे कि 15 मुकदमे दर्ज हैं और गंगानगर में जो है ये कहिएगा ये गैंग बहुत सक्रिय थी, लॉरेंस बिश्नोई गुट तो था ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि ये जो गंगानगर का इलाका है या उससे छठे हुए इलाके हैं, वहां जो छात्र संघ सोपू एक संगठन है उसको कहीं ना कहीं बैकअप था। तो युवाओं में इस तरह का जैसे एक रॉबिनहुड की छवि बनाने की कोशिश और नशे की पगडंडियों पर चलना, ये तमाम चीजें अंकित भादु के जरिए हो रही थी। और ये खास बात यह है कि ये जो बीकानेर संभाग का ये जो इलाका है गंगानगर, यहाँ खास तौर पर इसका आना जाना गतिविधियां रही। मैं आपको बताना चाहूंगा श्वेता एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले जब दिनेश हेमन यहाँ पर आईजी आए तो उनका खास टारगेट ये रहा कि अंकित भादु को जो है सरेंडर करवाया जाए या इसके जो ऑर्गेनाइज क्राइम में चला रहा है उसकी चैन उन्होंने तोड़ी। कुछ कार्रवाइयां भी हुई, हरियाणा पुलिस गंगानगर तक पहुंची, एनकाउंटर की उस वक्त भी कोशिश हुई, लेकिन उस वक्त अंकित भादु बच निकला था। लेकिन अब कहिएगा एक अच्छी जो है प्रेशर बनाया गया। मैं आपको बता दूं आईजी जेल मीना ने जो जानकारी दी है कि नरेंद्र पूनिया जो है कल वहां पर थे, जो एक सीआई है यहाँ के गंगानगर से, इसके अलावा एक टीम थी। हालांकि जो आज की यदि हम बात करें तो एक निश्चित तौर पर राहत की खबर है, राजस्थान पुलिस के लिए पीठ थपथपा देने वाली खबर है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो है अंकित भादु यहाँ लगातार जो न केवल खुद कितने क्राइम करता है वो तो था ही था, 15 मुकदमे दर्ज है, 2 हत्याएं गंगानगर में हुई है, जोड़ हत्याकांड बहुत चर्चित था, लेकिन इससे बड़ी बात थी कि बैकअप मिल रहा था, इसके नाम पर काम हो रहा था, बहुत सारी रंगदारी वसूल की जा रही थी, तो वो एक बड़ी चोट कहिएगा कहीं ना कहीं हुई है। बिल्कुल लक्ष्मण, पंजाब में जिस तरह से इसका एनकाउंटर हुआ जीरकपुर में, तो ऐसा माना जाएगा कि ये वहीं पर बहुत टाइम से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर ये वहां पर लुका छुपी कर ही रहा था, साथ ही साथ क्योंकि आप इस बात को समझिए जो टेरेन है, ज्योग्राफी टेरेन, वो आप यूं समझिए पंजाब हरियाणा और राजस्थान, दरअसल ये इस तरह से लगा हुआ इलाका था, तो इसी बात का ये बार बार फायदा उठा रहा था, ये माइग्रेट कर जाता था जैसे ही प्रेशर बना, जैसा कि मैंने आपको बताया दिनेश हेमंत जब ये कोशिश कर रहे थे हरियाणा पुलिस आई तो भी पंजाब छुप गया और लगातार ये बात चल रही थी। तो निश्चित तौर पर जो जीरकापुर आज जो हुआ है वहां पर एक महत्वपूर्ण मतलब सफलता मिली है, साथ ही साथ जैसा कि आईजी बता रहे थे कि एक घायल भी है, अमृतसर का जो रहने वाला है वो साथी है, वो घायल हुआ है। बेहद अहम जानकारी आपने दी है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और श्रीगंगानगर से सुनील सिंह के साथ एक बार फिर से सहयोगी जुड़